मैं अमित सिंह बघेल सह प्रतिनिधि माननीय सदस्य विधान परिषद श्री रविशंकर सिंह पप्पू बलिया जी। क्या 24 नवंबर को MLC रविशंकर सिंह पप्पू भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बलिया में उनका प्रथम आगमन, उसको लेकर क्या तैयारी है? सर्वप्रथम मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को नमन करते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्वांचल की आवाज और युवाओं की ललकार माननीय रविशंकर सिंह पप्पू जी प्रथम बार बलिया आ रहे हैं और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हर मायने में होगा। बलिया में यह कार्यक्रम बहुत समय तक याद किया जाएगा। हालांकि रविशंकर सिंह पप्पू जी बलिया में वैसे ही बलिया के पूरे पूर्वांचल में एक अलग आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। 24 तारीख को माननीय रविशंकर सिंह पप्पू जी सुबह 7 बजे चलेंगे लखनऊ से, प्रातः चलकर 11 बजे दिन में कोरंटाडी डाक बंगले पहुँचेंगे। वहाँ से माँ मंगला भवानी के दर्शन के पश्चात उजियार, भरौली, लक्ष्मणपुर, नरही, चितवड़ा गांव मोड़, फेफना, सागरपाली, मालदेवपुर मोड़, चित्तू पांडे चौराहा, टीडी कॉलेज, कुंवर सिंह चौराहा, बहादुरपुर जीरा बस्ती होते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय जीरा बस्ती पहुँचेंगे। इस बीच में उनका हर जगह ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। इसके लिए पूरे जनपद में होर्डिंग और तोरण द्वार बनाए गए हैं। पूरे जनपद के चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए लोग व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा क्योंकि माननीय रविशंकर सिंह पप्पू जी के भारतीय जनता पार्टी में आने पर पूरे बलिया की 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त मिलेगी।